आप लोगों ने तो मंदिर बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी हवा में झूलता हुआ मंदिर देखा है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो एक खड़े पहाड़ पर लटका हुआ है, और यहाँ इस मंदिर में जाने वालों की सांसें थम जाती हैं। जी हाँ, चीन में एक ऐसा ही मंदिर है जो अपनी कई खासियतों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर आप भी इस मंदिर के बारे में जानेंगे तो जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़े रहस्य और इसकी खासियत के बारे में। आपको बता दें कि आधुनिकता के इस युग में इंसान आज काफी तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो क्यों और कैसे बनाई गई होंगी, आज भी इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसके बारे में इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जबकि ये दुनिया अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है, फिर चाहे गीजा के पिरामिड हो या चीन की दीवार, इसका निर्माण कैसे किया गया होगा, वो भी उस समय के दौरान जब कोई सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। उन्हीं में से एक है चीन की हैंगिंग मॉनेस्ट्री, जो अजीबोगरीब पहाड़ों के किनारे पर बना हुआ है, और इसको दूर से देखने पर लगता है कि ये मंदिर पहाड़ों पर लटका हुआ हवा में झूल रहा हो। चीन के शांजी में हेंग माउंटेन पर बना ये एक ऐसा मंदिर है जो अजीबोगरीब तरीके से पहाड़ों पर लटका हुआ है। जबकि इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि 1500 साल पुराने इस मंदिर को इसलिए बनाया गया होगा कि ये मंदिर बाढ़ से प्रभावित न हो और ये बारिश और तूफान से भी बचा रहेगा, और यही वजह है कि इसे हैंगिंग मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर चाइनीज आर्किटेक्चर के लिए आज के समय में अध्ययन करने वालों के लिए मुख्य रूप से बहुत ही मशहूर है। और आपको बता दें कि ये मंदिर जमीन से करीब 75 फीट ऊपर है, और मंदिर में करीब 40 अलग अलग हॉल हैं, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस मंदिर में बहुत सारी पुरानी मूर्तियां भी रखी गई हैं, जो चीन के डैटोंग क्षेत्र में ये मंदिर टूरिस्टों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है। ये मंदिर सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि ये पहाड़ की ऊंचाई पर बना हुआ है, बल्कि ये अपने धार्मिक महत्वों की वजह से भी मशहूर है, और मंदिर को देखने के लिए एशिया के कई देशों से के अलावा यूरोप से भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। और लेकिन यहाँ पहुँचने का रास्ता लकड़ी और लोहे की सीढ़ियों से बना हुआ है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।